क्या आपको सुबह उठ के ऐसा लगता है कि आपके फिंगर्स में स्टिफनेस हो गई है या कोई दर्द है या हल्की सी सूजन है? तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करिए या गर्म पानी में डाल के उसको ना ऐसे मूवमेंट करिए, नहीं। अगर इस तरह का जॉइंट पेन या स्टिफनेस है तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। आर्थराइटिस भी अलग अलग तरह के होते हैं, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, जस्ट टू नेम अ फ्यू। ओके, एंड फॉर एग्जांपल अगर रिमोटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें ढीले पड़ जाते हैं जॉइंट्स, उसमें अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो और ढीले पड़ेंगे। ओके, आपके फिंगर्स में अगर इन्फ्लेमेशन है और आप गर्म पानी में हाथ डाल के अगर इस तरह से फिंगर मूवमेंट्स करेंगे तो वो पेन और बढ़ जाएगा। इसलिए कहीं आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, गो टू योर ऑर्थोपेडिशियन फॉलोड बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड देन लेट देम डिसाइड व्हाट यू शुड डू। मे बी व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट अ लिटिल पुशिंग और पुलिंग, यू नो, मे बी ओनली दैट। सो जस्ट लेट देम डिसाइड इट फॉर यू। थैंक यू।